Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Biology by Sachin Punia. तो आपने देखा भी क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में और आज का जो अपना टॉपिक है भाई तीसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में. अब तक हम दो लेक्चर अटेंड कर चुके हैं. उम्मीद करता हूँ आपको वहां तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपने पहले दो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं एक बार उनको देख लीजिए, नहीं तो आपका जो बेसिक है वो गड़बड़ा जाएगा और आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. ये बात आपको ध्यान रखनी होगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइट रिएक्शन की. उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक बातें हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया जो अपने पास फोटोसिंथेसिस है उसके हमने दो पार्ट कर दिए थे. मतलब कि दो पार्ट में वो रिएक्शन अपने पास टेक प्लेस करेगी, फोटोसिंथेसिस होगी. और उन दो पार्ट में हमने क्या बोला था भाई, पहली जो अपने पास लाइट रिएक्शन और दूसरी क्या है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को हमने ऐसे डिफाइन किया था, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली ड्राइव करवाई जाएगी लाइट के द्वारा. एक ऐसी रिएक्शन जिसको डायरेक्टली कौन ड्राइव करेगा भाई, लाइट ड्राइव करेगी, उसको बोला था लाइट रिएक्शन. डार्क रिएक्शन उसको बोला था जो कि डिपेंड करेगी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर. मतलब कि डार्क रिएक्शन को कौन करवाएगा, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे वो करवाएंगे. तो ये बेसिक हम बातें पढ़ चुके हैं. अब शुरुआत करते हैं लाइट रिएक्शन क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है वो पढ़ते हैं. सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है, जो लाइट रिएक्शन है वो अपने पास क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है. क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है या फिर फोटोकेमिकल फेज है. फोटोकेमिकल का मतलब समझिएगा, फोटो का मतलब होता है भाई लाइट और केमिकल का मतलब है केमिकल. मतलब कि ये जो अपने पास लाइट रिएक्शन जो है इसमें मेनली क्या होगा, लाइट एनर्जी अपने पास आएगी और बन क्या जाएगा, केमिकल एनर्जी बन जाएगी. केमिकल एनर्जी मैंने आपको बताया इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एटीपी एंड NADPH बनेगा. जो कि अपने पास क्या है, केमिकल्स है और ये क्या होते हैं, हाई एनर्जेटिक होते हैं. इनसे एनर्जी रिलीज होती है और ये केमिकल है तो हमने बोल दिया लाइट एनर्जी आई है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, इसलिए लाइट रिएक्शन को बोल दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन. यहां तक ठीक? उम्मीद करता हूं आपको पिछले लेक्चर समझ आ गए होंगे और आप आगे कंटिन्यू इसको समझ रहे हैं. अब देखिए लाइट रिएक्शन में मैंने बता दिया क्या भाई, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. कल हमने साथवें पढ़ा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पढ़े थे भाई. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हमने पढ़े थे वो क्या करते हैं, मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं या यूनिट बनाते हैं. क्या करते हैं भाई, सिस्टम या फिर यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट. फोटोसिंथेटिक यूनिट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ग्रुप है पिगमेंट्स का जो कि पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस करवाने में. तो चलिए देखते हैं ये सिस्टम के बारे में. जो अपने पास फोटोसिस्टम निकल के आते हैं इसको फोटोसिंथेटिक सिस्टम बोलो, फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलो या फिर अपने पास इसको क्या बोलो भाई, फोटोसिस्टम बोलो. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फोटोसिस्टम के बारे में. अपने पास दो फोटोसिस्टम हमको पढ़ने में, क्या पढ़ने हैं, दो फोटोसिस्टम पढ़ने हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड. जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप है, यूनिट है वो अपने पास कितने भी दो है. पहला है फोटोसिस्टम वन और दूसरा फोटोसिस्टम टू. इनको समझते हैं भाई. सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, जो इनके वन और टू नाम दिए गए हैं ये किस बेस पे दिए गए हैं. जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम फर्स्ट. जो फोटोसिस्टम सेकंड है अपने पास इसकी डिस्कवरी उसके बाद में हुई थी इसको इसलिए नाम दे दिया फोटोसिस्टम सेकंड. इन नंबरिंग को एक और दो को ऐसे रिलेट कभी नहीं करोगे कि ये वाली रिएक्शन पहले होगी या ये पहले काम करेगा ये बाद में काम करेगा. ऐसे रिलेट कर दिया तो अपना पूरा पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देगा. तो सबसे पहली बेसिक बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, फोटोसिस्टम वन की डिस्कवरी पहले हुई थी इसलिए उसको फोटोसिस्टम वन बोला गया है. फोटोसिस्टम टू जो उसकी डिस्कवरी उसके बाद में हुई थी इसलिए उसको कितना नंबर दिया भाई, फोटोसिस्टम टू नंबर बोल दिया गया है. अब देखो फोटोसिस्टम होता क्या है, मैंने आपको बता दिया ग्रुप होता है पिगमेंट्स का, उसमें कैसे अरेंज होते हैं देखिएगा. हमने जो पिगमेंट पढ़े थे उनमें मेन जो पिगमेंट था वो था क्लोरोफिल ए. कौन सा था, क्लोरोफिल ए. जो ये क्लोरोफिल ए है ये बनाएगा भाई रिएक्शन सेंटर. क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर. दोनों पिगमेंट की कॉमन बात कर रहे हैं हम, दोनों सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर जो बनाएगा वो कौन बनाएगा भाई, क्लोरोफिल ए बनाएगा. जो क्लोरोफिल ए है उसके चारों तरफ दूसरे पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी के जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए के चारों तरफ अरेंज होते हैं.
और वो काम क्या करते हैं, हमने बता अभी कल हमने पढ़ा था एंटीना की तरह काम करेगा, एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। अब मान लो क्लोरोफिल ए जो है इसके ऊपर जो लाइट आई, मैंने आपको बताया पर्टिकुलर लाइट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब और ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, या फिर सबसे ज्यादा ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइट अपने पास पार्टिसिपेट करे फोटोसिंथेसिस में, तो वो लाइट ए तक कौन भेजेगा, ये बाकी के जो पिगमेंट है ये क्या करेंगे भाई, लाइट एनर्जी लेंगे, उस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और एंटीना की तरह क्या कर देंगे क्लोरोफिल ए के पास भेज देंगे, और क्लोरोफिल क्या करेगा अपने पास में आगे प्रोसेस करेगा और क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस में। एक बात आपको यहां पे याद रखनी है, जो अपने पास पीक आती है, पीक जो क्लोरोफिल ए की पीक आएगी, जो क्लोरोफिल ए की पीक है वो आपको याद रखनी है, जो भी मतलब अपने पास क्लोरोफिल ए है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने पास लाइट एनर्जी आएगी वो किस वेवलेंथ की को अब्सॉर्ब करेगा। तो फोटोसिस्टम वन की अगर बात की जाए, फोटोसिस्टम वन में क्लोरोफिल ए जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा। जो फोटोसिस्टम टू के केस में हमें क्लोरोफिल क्या करेगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, पीक है सबसे ज्यादा से ज्यादा यही करता है। जो अपने पास फोटोसिस्टम वन है उसमें करेगा 700 नैनोमीटर और टू में करेगा 680 नैनोमीटर। ये था अपने पास पीक के बारे में, तो इसको बोलते हैं P70 और P680। ऐसा क्यों बोला, पीक का मतलब यहाँ पे पीक, जो पीक है सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी आ सकती है, इसमें आ सकती है 700 नैनोमीटर, इसमें 680 नैनोमीटर यहाँ पे आ सकती है। अब फोटोसिस्टम हमने पढ़ ली, वे दो टाइप के हैं, क्या है दो फोटोसिस्टम अपने पास है। अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है और उनको एक गजब के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई अपने पास क्या आ गया, एक तो फोटोसिस्टम वन आ गया और एक आ गया फोटोसिस्टम टू, ठीक है। चलो इनके बाद डिफरेंस की बात हम करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी, दोनों की सेम है, बीच में क्या अपने पास क्लोरोफिल ए है जो कि रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, और चारों तरफ क्या भाई बाकी के पिगमेंट है जो कि क्या करेंगे इसको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ज्यादा एनर्जी इसको अब्सॉर्ब करवाने के लिए सक्षम बनाएंगे। सबसे पहले भी जो अपने पास फोटोसिस्टम वन है उसका जो पीक आया है, उसका पीक कैसे आया मैं आपको अभी याद करवाऊंगा, साथ में पहले हम डिस्कस करते हैं है क्या क्या डिफरेंस है, अभी साथ के साथ आपको याद हो जाएंगे। तो फोटोसिस्टम वन में जो पीक आया वो आया P700, क्या है P700, और इसमें कितना आया P680। तो फोटोसिस्टम वन और टू में डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, तो पहला आ गया पीक के ऊपर, इसकी पीक कहां पे आई है और इसकी पीक कहां पर आई है। फोटोसिस्टम वन जो है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आउटर लेयर ऑफ थैलाकोइड। जो थैलाकोइड है उसकी आउटर लेयर के ऊपर क्या होगा फोटोसिस्टम वन प्रेजेंट होगा, ये जो कहां पे प्रेजेंट होगा भाई इनर लेयर ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन या लेयर, ठीक है मेम्ब्रेन लिख लो या लेयर लिख लो। ये था दूसरा डिफरेंस, मतलब कि जो फोटोसिस्टम वन है वो आउटर लेयर पे प्रेजेंट होगा और ये कहां पे प्रेजेंट होगा इनर लेयर पे प्रेजेंट होगा। दूसरी बात जो अपने पास फोटोसिस्टम वन है वो कहां कहां पर काम करता है, तो ये होता है अपने पास ग्रेना प्लस स्ट्रोमा, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में ये काम करेगा, जबकि फोटोसिस्टम टू है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर काम करेगा भाई ग्रेना में काम करेगा, राइट। उसके बाद आता है जैसे मैंने पढ़ा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, इससे आगे जो प्रोसेस चलेगी उसमें हमको पढ़ना भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो केस अपने पास निकल के आते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो केस अपने पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से निकल के आते हैं, तो ये देखते हैं फोटोसिस्टम किसमें काम करेगा और फोटोसिस्टम टू किसमें काम करेगा। वन और टू को इनके बेस पे कैसे हम अलग करेंगे, देखो जो अपने पास फोटोसिस्टम वन है, जो फोटोसिस्टम वन है वो साइक्लिक भी करेगा एज वेल एज नॉन साइक्लिक भी करेगा भाई। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है वो दोनों तरीके से करेगा फोटोसिस्टम वन, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी। लेकिन जो अपने पास PS2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा भाई साइक्लिक करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास फोटोसिस्टम वन है उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी, मतलब कि पानी का कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज अब्सेंट, कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी।
अगर वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी। ऑक्सीजन क्योंकि हमने देखा भाई वाटर स्प्लिट हो रहा है तभी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और जो अपने पास PS2 है इसमें क्या होगा भाई, H2O की स्प्लिटिंग होगी, H2O क्या करेगा स्प्लिट अप हो जाएगा, टूट जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस थे अपने पास PS1 और PS2 से रिलेटेड। अब मैं आपको जो गजब की चीज बता रहा हूं इनको फटाफट याद कैसे करोगे, आपको एक एग्जांपल सेट करना और ये सारे के सारे डिफरेंस आपको याद हो जाएंगे। याद करने का इन द सेंस मैं बोल रहा हूं भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लो कहीं पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसमें लिखा गया है जो फोटोसिस्टम 1 है वो अपने पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, या फिर ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। इसमें लिखा भाई जो फोटोसिस्टम 2 है वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या आगे पीछे लिख रखी है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको याद रखना है जिससे सारे के सारे जो पॉइंट है इनके बीच में आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने जो आपको एक बात बताई है सबसे बेसिक बात जो बताई है वो मैंने बताई जो फोटोसिस्टम 1 है। क्या अभी फोटोसिस्टम 1 जो है उसकी डिस्कवरी पहले हुई है तो मतलब कि वो बड़ा है। अपने बेसिकली आपने देखा होगा जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा होता है, जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है। सीधी सी बात, इसकी डिस्कवरी पहले हुई तो ये बड़ा है और इसकी बाद में हुई तो ये छोटा है। तो हम यहां से क्या डिसाइड करेंगे, एग्जाम्पल सेट यहाँ पे मैं करवा रहा हूं आपको, जो अपने पास फोटोसिस्टम 2 है वो क्या है, एक छोटा बच्चा है। क्या भाई फोटोसिस्टम 2 क्या है, अपने पास छोटा बच्चा है और PS1 क्या है, बड़ा बच्चा है। ये दो बात आपको याद रखनी है और सारे के सारे कंफ्यूजन आपके बाहर चले जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहली बात PS1 और PS2 मैंने बता दिया, PS1 जो है अपने पास बड़ा है और 2 क्या है छोटा। जी बात करते हैं पीक कहां पर आएगी, ये मैं कंफ्यूजन हूं, पी जो 700 आई थी वो PS1 में आई थी या PS2 में, आपको इतना याद रह जाएगा। एक आई थी 700 नैनोमीटर, एक आई थी 780 नैनोमीटर, लेकिन कंफ्यूजन हो गया जी PS1 में कौन सी थी और 2 में कौन सी थी। तो मैंने आपको बताया PS1 क्या है, बड़ा, तो जो बड़ी संख्या अपने पास आई वो किसके अंदर आ जाएगी भी? PS1 के अंदर आ जाएगी, और जो छोटी संख्या अपने पास आई है वो किसके अंदर आएगी, PS2 के अंदर आएगी। तो पहला डाउट क्लियर, ठीक है। दूसरा डाउट देखते, इसमें लिखा हुआ जो PS1 है वो आउटर लेयर ऑफ थैलाकोइड पे प्रेजेंट होता है, और जो अपने पास PS2 है वो क्या होता है, इनर लेयर ऑफ थैलाकोइड पे प्रेजेंट होता है। अब देखो जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड जो है उसको आप मान लो आपका घर है, क्या है, घर है। वो जो बड़ा लड़का है, जो बड़ा लड़का वो मोस्टली कहां पे रहेगा, बाहर रहेगा, थैलाकोइड के बाहर रहेगा, घर के बाहर घूमता फिरता रहेगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसका हम ख्याल रखेंगे, उसको क्या करेंगे, घर पे रखेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, वो इनर लेयर पे रहेगा और वो आउटर लेयर पे रहेगा। जो बड़ा बच्चा वो बाहर गली में भी घूमता फिरता रहेगा भाई, तो इसको बोल दिया वो क्या है, आउटर लेयर पे, और ये क्या है, इनर लेयर पे आ गया, ठीक है। सेम जो अगला पॉइंट आप नोटिस करोगे, घराना, घराना से बोलोगे घर है वो, सेम वही बात अभी, जो छोटा अपने पास छोटा बच्चा जो है वो कहां पे रहेगा, सिर्फ घर पे रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा भाई, घर पे भी रहेगा और आसपास की जो अपने पास दुकानदारी है, गली है, सारी जगह घूमता फिरता रहेगा। तो ये आएगा घराना और स्ट्रोमा दोनों के अंदर। या फिर इसको ऐसे समझोगा, हमने जब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये अपनी अर्थ है, क्लोरोप्लास्ट को क्या मान लो, अर्थ मान लो, और उसके अंदर जो ग्रेना जो बने थे थैलाकोइड की वजह से उसको आप मान लो भाई आपका गांव है, वो क्या है, आपका गांव है या फिर घर है, ये आपका घर है भाई ग्रहना, ठीक है। तो बड़ा बच्चा जो है वो क्या करेगा भाई, अपने पास घर में भी रहेगा और बाहर भी दुनियादारी में घूमता रहेगा, जो उसी जगह पे उसको जाना पड़ेगा वो घूमता फिरता रहेगा। लेकिन छोटा बच्चा क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ घर में रहेगा, घराना में रहेगा। तो ये था अपने पास तीसरा पॉइंट। उसके बाद भाई जो बड़ा बच्चा है अपने पास PS1 जो है, ये बात सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको, जो PS1 है वो बड़ा है और PS2 क्या है, छोटा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है अपने पास, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो PS1 है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। इसको कैसे याद करोगे, देखो साइक्लिक को रिलेट कर दो साइकिल से। अगर अपने पास घर पे साइकिल है वो कौन चलाएगा, छोटा बच्चा चलाएगा या बड़ा बच्चा चलाएगा, ये बताओ। जो बड़ा बच्चा है वही तो साइकिल चला सकता है, छोटा बच्चा है जो है उसको चलाना ही नहीं आता होगा। तो जो बड़ा बच्चा अपने पास वो साइकिल भी चला सकता है, मतलब कि साइक्लिक भी कर सकता है और वो पैदल भी चल सकता है, नॉन साइक्लिक भी। तो जो बड़ा बच्चा है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में काम करेगा, मतलब कि वो साइकिल चला भी सकता है, साइकिल नहीं भी चला सकता, पैदल भी चल सकता है। तो बड़ा बच्चा जो PS1 जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में काम करेगा। PS2 का हमने मान लिया वो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो वो
जो छोटा बच्चा भविष्य में आएगा अपने पास नॉन साइक्लिक, क्या आएगा? नॉन साइक्लिक, सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में काम करता है PS2। तो अपने पास जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करेगा, वो साइकिल नहीं चला सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पैदल चल सकता है। तो PS2 क्या करेगा भाई? नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद जब अपने पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, इसके अंदर नहीं हो रही, PS1 के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो रही। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। यहाँ पे है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का टूटना। इसको रिलेट कर दो, घर पे कोई भी आपके पास चीज है अगर उसको तोड़ रहा है तो कौन तोड़ेगा? छोटा बच्चा तोड़ेगा या बड़ा तोड़ेगा? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो PS2 करेगा, क्योंकि हमने PS2 को क्या मान रखा है? छोटा बच्चा मान रखा है, और PS2 को बड़ा बच्चा। तो जो टूट फूट घर पे होते हैं वो कौन करता है? छोटा बच्चा करता है, और छोटा बच्चा अपने पास कौन है भाई? PS2 है। ये बात आपको याद रखनी है, अगर H2 स्प्लिटिंग हो रही तो ऑक्सीजन रिलीज होएगा, और H2 स्प्लिट नहीं हुई तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होएगा। तो ये था अपने पास भाई PS1 और PS2 के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई, मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या बने? लाइट जो रिएक्शन अपने पास उसमें दो प्रोडक्ट बने हैं। वो दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक है ATP और एक है NADPH। ये बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी ATP की, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है ये बनेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है जिसमें कि दो फॉस्फेट ग्रुप अपने पास, और एक फॉस्फेट ग्रुप और अगर जुड़ जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई? ATP बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं भाई? ATP को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ATP को बना रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसको? ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर जब क्या बनाते भाई? ATP जब बनाते तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो की हेल्प से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, लाइट आएगी और फॉस्फेट जुड़ रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। उसके बाद NADPH कैसे बनता? तो ये देखो, एक होता है अपने पास NADP। क्या होता है? NADP। इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा हुआ, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब इसमें ऐड करोगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और अपने पास ये क्या बन जाएगा भाई? NADPH। क्या बन जाएगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएंगे। साथ में अपने पास वो स्प्लिटिंग की वाटर जो हमने बात कर ली अभी, तो मेन बात आपको जो याद रखनी है, NADPH से अपने पास NADPH कैसे बनेगा भाई? उसका रिडक्शन होगा, और ये जो अपने पास बनेगा वो किसका रिजल्ट है? अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप इसको रिलेट करोगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। यहां तक अगर आपका कोई डाउट है, तीन लेक्चर अपने हो चुके हैं, तीनों लेक्चर में भी अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हो। और भी कोई अगर आपकी कुछ मांग है, कोई स्पेशल क्लास आप चाहते हो तो आप अपने सुझाव दे सकते हो भाई। कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लग रही है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था अपने पास लाइट रिएक्शन के बारे में।